और देखो गाइस कैसे घूम रहा है इधर उधर, फुल फ्रेंडली है गाइस, देख सकते हो आप। गाइस ये रही है गीता फीमेल डॉग, और गाइस ये होती है एक अच्छी क्वालिटी डॉग के अंदर। हेलो वगैरह भी सिखाया हो आपने? अच्छा फ्रेंडली है बिल्कुल भाई, कैसे भी डॉग फ्रेंडली है लगभग। गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। तो गाइज आज मैं इंट्रो शूट कर रहा हूँ, बाद में अभी वीडियो एडिट कर रहा था तो उस दिन टाइम नहीं लगा मेरे को। तो गाइज आज हम आपको दिखाने वाले हैं ब्लैक जर्मन शेपर्ड के पप्पी, बहुत ही मस्त क्वालिटी है गाइज, मैंने देखा बहुत मजा आया। और गाइज वीडियो में बने रहना, आपको भी बहुत मजा आने वाला है। अगर किसी को पप्पी बाय करना है ना तो भाई से कॉन्टेक्ट जरूर करना, लोकेशन अपनी खरखोदा में है। तो गाइज अभी मैं पहुंच गया हूँ लोकेशन पर, और आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत ब्लैक जर्मन है। और अपने रितेश भाई क्या हाल है भाई? ठीक है भाई। तो क्या नाम है भाई डॉग का? मैक्स। मैक्स नाम भाई, और इसकी एज 14 months। कौन सी ब्लड लाइन से बिलोंग करता भाई ये? सुल्तान का पप्पी है भाई। सुल्तान का पप्पी है, सुल्तान का फादर इंपोर्टेड है। अच्छा सुल्तान का फादर इंपोर्टेड है। और भाई इसकी डाइट वगैरह क्या रखते हो आप? डाइट में भाई रॉयल कैनन चिकन एग्स, गर्मी हो रही है तो दही ज्यादा। हाँ भाई मल्टीविटामिन कैल्शियम। हाँ ये तो बहुत ही जरूरी है मल्टीविटामिन और कैल्शियम तो। और गाइस देख सकते हो मैक्स को, देखो आप ये देखो गाइस कितना फ्रेंडली है, बिल्कुल भी नहीं काट रहा, स्मेल कर रहा बस, कितना स्मेल करेगा मैक्स। और गाइज देख सकते हो इसका फेस और इसकी हाइट भी देख सकते हो, बिल्कुल एक जाइंट डॉग। और गाइज देख सकते हो इसकी शाइनिंग, आप प्योर ब्लैक है। और गाइज ये होती है एक अच्छी क्वालिटी डॉग के अंदर। रितेश भाई वैसे ये डॉग एग्रेसिव भी है क्या? नहीं भाई एग्रेसिव नहीं है, बिल्कुल फ्रेंडली है। तो गाइज देखो मैं मैक्स को टच कर रहा हूँ, बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल रहा, और फेस देख सकते हो आप। और गाइज आप इसके दांत भी देख सकते हो, प्रॉपर बाइट है। तो गाइस रितेश भाई ने अभी मैक्स को खोल दिया है, और देखो गाइस कैसे घूम रहा है इधर उधर, और वहाँ पे दूर साइड देखो कितने डॉग्स बैठे हैं, वे भी भौंक रहे हैं, और उनके पास बिल्कुल भी नहीं जा रहा अपना मैक्स। तो गाइस इसी से पता चलता है कि मैक्स कितना समझदार है। ये देखो गाइस चलता हुआ अभी बहुत मस्त लग रहा है ये। सन्नी भाई बिल्कुल शान से चल रहा है, बिल्कुल भाई प्रोटेक्टिव तो बहुत होगा भाई ये। हाँ भाई पूरी रात प्रोटेक्शन करता भाई, बिल्ली वाला उसको भी भोकता रहता, उसको भी भोकता रहता भाई। हाँ भाई बहुत अच्छा बना रखा आपने, फ्रेंडली है सबसे बड़ी बात तो ये है। हाँ और डॉग्स भी है भाई आपके पास? हाँ भाई। कौन सी ब्रीड है भाई? जर्मन शेफर्ड। जर्मन शेफर्ड ही रखते हो आप? हाँ तो रितेश भाई कितना टाइम हो गया आपको डॉग्स पालते हुए? उससे पहले ही रखते थे भाई, भाई तकरीबन 10-15 साल तो हो गए। रितेश भाई चलो नेक्स्ट डॉग दिखा दो एक बार। ठीक है भाई। पप्पी वगैरह भी है? पप्पी दूसरी जगह पे है भाई। चलो ठीक है उनको भी दिखाते हैं, पास में ही होंगे। हाँ। तो रितेश भाई चलो आप दूसरे डॉग्स दिखा दो एक बार हमारी ऑडियंस को। तो गाइस देखो बिना पट्टे के चल रहा है मैक्स अपना, और कहीं भी इधर उधर नहीं जाएगा, सीधे डायरेक्ट घर पे जाएगा ये। तो गाइस रितेश भाई आ गया अपने फीमेल डॉग को लेके। तो भाई क्या नाम है इसका? टोक्यो। टोक्यो नाम है। टोक्यो ये भी फ्रेंडली है? थोड़ी बहुत एग्रेसिव। अच्छा थोड़ी बहुत एग्रेसिव है। तो गाइस देख सकते हैं आप टोक्यो को। और भाई कितने मंथ्स की है ये? 10 months की है। तो भाई देख सकते हैं इसको आप, काफी अच्छी क्वालिटी है इसकी भी। टोक्यो ये देखो गाइस फ्रेंडली है बिल्कुल भाई के, सभी डॉग्स फ्रेंडली है लगभग जो भी हमने अभी तक आपको दिखाए हैं। हेलो वगैरह भी करती है भाई? नहीं भाई नहीं, सिखाई नहीं गाइस को, मैक्स मैक्स को सिखा दी। अच्छा हाँ भाई। तो रितेश भाई इसका नहलाने का क्या शेड्यूल है? हफ्ते में 2-3 बार नहलाते हैं। हफ्ते में 2-3 बार तो गर्मी आ रही है ना भाई, अब रोज नहलाएंगे। हाँ भाई बिल्कुल अच्छी बात है, क्यों इनके लंबे बाल है इसी वजह से। हाँ इनको नहलाना भी चाहिए, गर्मी लगती है लंबे वाले डॉग्स को। रितेश भाई और कोई भी डॉग है क्या? हाँ भाई एक और फीमेल है। फीमेल है? हाँ भाई ब्लैक एंड टैन है भाई वो। चलो ठीक है उसको भी दिखाओ। तो भाई रितेश भाई अपने लिया है ये फीमेल है ब्लैक एंड टैन कलर की, कितने साल के भाई ये? 3 साल की होगी। 3 साल की होगी, देख सकते हो भाई इसको। क्या नाम भाई इसका? जिमी। जिमी नाम है। जिमी एग्रेसिव है क्या भाई ये? हाँ भाई एग्रेसिव है। ये एग्रेसिव है? हाँ भाई। तो सन्नी भाई इससे दूर ही रहना पड़ेगा, दूर ही रहते हैं भाई। हाँ क्या पता काट ले भाई, दो डॉग से तो बच लिए। बिल्कुल भाई क्या पता तीसरा काम कर दे। हाँ बिल्कुल भाई सही बात। हेलो वगैरह भी कर लेती है ना? इसको नहीं सिखा, सिर्फ मैक्स को सिखाया तूने। हाँ भाई। रितेश भाई आप पप्पी बता रहे थे कौन? हाँ सी फीमेल की है? 3 फीमेल तो आ गई। ब्लैक जर्मन की है भाई। अच्छा ब्लैक जर्मन की है। हाँ भाई। तो वो कहाँ पे है? वो दूसरी जगह पे है। चलो तो दूसरी जगह चल के मिलती है गाइज आपको। तो गाइज अभी भाई लेके जा रहे हैं हमें जहाँ पे वो ब्लैक जर्मन है उसके पास, तो चलो चलते है उधर। तो गाइज अभी आ गए हम अपने विक्की भाई के पास, इनके पास है ये फीमेल। तो भाई कितने साल की होगी ये? भाई होगी 2 इयर्स की। 2 इयर्स की होगी। और गाइज जैसा कि रितेश भाई ने बताया था विक्की भाई ये इसके पप्पीज आ गए हैं। हाँ भैया इसके पप्पीज आ गए 15 दिन के। अच्छा अभी 15 दिन के पप्पीज है। बहुत ही शांत स्वभाव की फीमेल है। हाँ भाई फ्रेंडली फीमेल है भाई, फ्रेंडली तो भाई। और गाइज देख सकते हो A1 क्वालिटी है बिल्कुल। तो विक्की भाई पप्पीज का प्राइस क्या है भाई? फीमेल का प्राइस रहेगा 25।
अच्छा, और मेल का? मेल का 30K, मेल का 30K। और अपना नंबर बता दो एक बार। 8053202151। और लोकेशन भाई? खरखोदा भैया, यो तो बांध तेनू गया रे बाहर लेकर चल। तो गाइस देखो, ये है अपनी हस्की फीमेल डॉग, और वो भी फीमेल है। तो क्या नाम है विक्की भाई? इसका नाम लूसी है भाई। लूसी नाम है। फुल फ्रेंडली है गाइस, देख सकते हो आप। और भाई इसका कलर भी। तो विक्की भाई कितने साल की होगी? ये 1.5 साल की। 1.5 साल की होगी गाइस, देख सकते हो क्वालिटी आप, एक नंबर की है बिल्कुल। ये देखो गाइस कैसे स्मेल कर रही है, ये देखो अपने भाई रितेश को। इसको जानती है, खेल रही है इसके साथ। अच्छा, अभी तक नहीं उतरा भाई। हाँ। बहुत पक्का कलर लगा दिया भाई लूसी। बाकी अब अच्छी लग रही है ये। हाँ, ये देखो गाइस फ्रेंडली है बिल्कुल। हाँ ये देखो गाइस ऊपर ही आ गई मेरे। हाँ, और खेल रही है देखो गाइस, काट भी नहीं रही है बिल्कुल। विक्की भाई और डॉग्स भी है भाई? फिलहाल अभी अपने पास 4 है, अकीता है। अच्छा, तो अकीता भी डॉग भी है आपके पास? अकीता फीमेल है वो। अच्छा, काफी बड़ी हो गई है, उसको तो रिटायर्ड कर दिया ये मान लो भैया। अच्छा, बस कैनल पे रख रखा है। हाँ, तो कोई नहीं, एक बार दिखा देते हैं पब्लिक को कि हां भाई ये डॉग ऐसा होता है। तो गाइस ये रही अकीता फीमेल डॉग। भाई नाम क्या है इसका? इसका नाम सकीरा है। सकीरा, तो देख सकते हो गाइस काफी टाइम से रख रखा है भाई आपने तो इसको। इसकी एज कितनी होगी? होगी भाई, होगी 4 इयर्स के आसपास होगी। हाँ भाई, इसको रिटायर कर दिया अपने भाई ने, और काफी डॉग्स रख रखे हैं, बहुत अच्छे से रखते हैं भाई अपने विक्की। तो गाइस वासे तो आ गया था, और गाइस कमेंट में जरूर बताना आपको सारे डॉग्स कैसे लगे, मेरे को तो बहुत मजा आया उधर जाके। और गाइस ऐसे ही रेगुलर वीडियो आती रहेगी, एक दिन छोड़ के एक दिन आएगी। तो गाइस अगर किसी भाई को भी पपी लेना है तो गाइस मैं अभी नंबर डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूं, और वीडियो के अंदर भी चल जाएगा नंबर। तो गाइस आप खरीद लेना पपी, टाइम पास वाले बिल्कुल कॉल ना करे। तो गाइस वीडियो कर रहे हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।